विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर INDIA के प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। तब हम कुछ हद तक थोड़ी पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार हमारा है कि उस टारगेट को हम सभी लोग पूरा करें। हम लोग नीचे के जो फ्रंट लाइन व्यवस्था जो ग्रामीण स्तर पर हमारा है, वो चूल्हा परिवार का जो है, चूल्हा प्रमुख का है, प्रभारी का है, ये एक डाटा तैयार करता है। उस डाटा से हम इस आंकड़े तक आते हैं और एक आंकड़ा देते हैं कि उसको वोट के रूप में तब्दील करें। आदरणीय जो प्रत्याशी होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद तीनों मिलकर रामगढ़ के लिए कोई विकास का अगर मानक तैयार किए हैं तो मंच पे खड़ा होकर खाली बोल दे और उस आंकड़े पर वोट ले ले, तो फिर हम मान जाएंगे कि वो विकास पर बात करें। लेकिन वो किस पे बात करेंगे? वो तुष्टिकरण पर बात करेंगे। वो तुष्टिकरण को छोड़कर कोई दूसरा बात ही नहीं कर सकता। बिल्कुल रोड मैप हमारा होगा, हमारा मैनिफेस्टो जब आएगा, जो आपको मोराबादी से झलक मिलेगी। मोराबादी में 3 दिन का मंथन जो हम लोग ने महाधिवेशन पर किया था, जो देश और देश से बाहर के लोगों को राज्य के बारे में उनका जो चिंतन है, उसकी घोषणाएं वहां पर मिलेंगी। और हम मात्र घोषणा नहीं करेंगे, हम बजट भी बात करेंगे कि जो नेता या राजनीति जो घोषणा करते हैं, जनता पार्टी आज एक प्लेटफॉर्म में उस टुंडी को लेकर, चूंकि हमारा लोकसभा का क्षेत्र है, पहले भी हम लोग विधायक रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा डिमांड था कि अगर वो हम लोग को दे सकते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि वो चुनाव लड़ेंगे और उस सीट को निकाल लेंगे, तो उनको धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।